हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 2 से 3 साल के बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। उसके लिए आपको कंटेंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना है, उसके आगे नेक्स्ट आपको क्या सिखाना है, उसके आगे आपको नेक्स्ट क्या सिखाना है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेन यही 2 से 3 साल के बच्चों के लिए काम करेगा। अगर ये नॉलेज है तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी लिखना सीख जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये कंटेंट्स में सबसे पहले आपके बच्चे को आना चाहिए स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग में क्या है कि आपके बच्चों को, जैसे ये देखिए, ये पेज में किया हुआ है। स्क्रिबलिंग में पहले आपको प्लेन पेज दे देना है और एक क्रेयॉन्स दे देना है बच्चे के हाथ में, और जो आपके बच्चे को करना है वो आपके बच्चों को करने दीजिए, ताकि उसका हैंड जो है वो होल्डिंग सीख जाए, पेंसिल होल्डिंग सीख जाए, कलर होल्डिंग सीख जाए। उसको होल्डिंग आ गया तो वो लिखना भी आपका बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। ये स्क्रिबलिंग हो गया। तो उसके बाद आपको आपको शेप्स बना के देने हैं बच्चों को। सर्कल दे दीजिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे दीजिए, और उसमें आप उनको कलर करने के लिए बोलिए, जैसे इसमें किया गया है। तो इससे क्या होगा कि उसको एक आउटलाइन मिल जाएगा बच्चे को, कि लाइन के बाहर आपको जाना नहीं है, ऐसा उनको उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रिबलिंग का हो गया। उसके बाद आता है आपका पैटर्न्स। पैटर्न्स में आप क्या सिखाएंगे, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। अभी स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन आप कैसे सिखाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ट्रेसिंग करने के लिए दे देना है बच्चों को। ऐसा एक वर्कशीट बनाइए और उसमें आप ये स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन ऐसे दे दीजिए, ट्रेसिंग करने के लिए दे दीजिए, ताकि आपका बच्चा, और आप ऊपर डॉट बना दीजिए रेड कलर या कोई भी कलर के, और आपको आपके बच्चे को बताना है कि आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, जैसे अप टू डाउन, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। बाद में आप 2-3 लाइन्स आप ट्रेसिंग के लिए दे दोगे, बाद में आपको ऐसा भी देना है, ब्लैंक, सिर्फ डॉट देना है, और उनको स्टैंडिंग लाइन लिखने के लिए बोलिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और वो बहुत जल्दी लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, सेम स्टैंडिंग लाइन हो गया, देन स्लिपिंग लाइन भी आपको ऐसे ही कराना है। स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन के बाद में आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, लेटर्स और नंबर्स। लेटर्स में आप क्या सिखाएंगे, जो भी लेटर्स आपके स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से बने हुए हैं वही लेटर आपको सिखाने हैं। देन आपको नंबर्स भी सेम वही सिखाना है जो स्टैंडिंग और स्लिपिंग से बना है। दूसरे पैटर्न का आपको कोई भी लेटर या नंबर नहीं सिखाना है। जैसे लेटर्स में देखिए, ई एफ एच आई एल टी, नंबर्स में 1, देखिए ई, इसके लिए भी आपको सेम पैटर्न यूज करना है। आपको एक वर्कशीट बनानी है या फिर आप नोटबुक में भी दे सकते हैं, सेम ट्रेसिंग करके देना है आपको लेटर्स, और इसमें आप ट्रेसिंग करने के लिए बोलेंगे यहाँ पर आपको स्टैंडिंग लाइन 3 स्लिपिंग लाइन, दैट इज ई। देखिए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 और 3-4 लाइन्स आप ट्रेसिंग के लिए दे देंगे, बाद में आप एक ब्लैंक दे देंगे ताकि उनको वो भी, या डॉट लगा के दे देंगे, बुक में भी दे सकते हैं आप लाइन्स में, तो भी उनको आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ई हो गया, एफ हो गया, देखो यहाँ पर भी क्या है, एच हो गया, आई हो गया, ये भी 2 स्टैंडिंग लाइन 1 स्लिपिंग लाइन, सेम 1 स्टैंडिंग लाइन 2 स्लिपिंग लाइन, आई हो गया। देन एल लेटर सिखाएंगे आप, देन टी लेटर सिखाएंगे, ठीक है, और ये नंबर 1 हो गया, फिर आप नंबर 1 भी सिखाओगे इसके साथ में ही। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन का पोर्शन है वो खत्म हो गया। ये सिखाने के बाद आप उनको, आप अपने बच्चों को पैटर्न्स में सिखाएंगे स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे आप, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ये आपको ट्रेसिंग करने के लिए बच्चे को देना है, और सेम आपको नीचे ब्लैंक देके उनको लिखने के लिए भी, डॉट देके भी लिखने के लिए बोलना है। ठीक है, ये हो गया स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या सिखाओगे, लेटर्स और नंबर्स। लेटर्स में क्या सिखाएंगे, जो भी लेटर्स स्लैंटिंग लाइन, और जो आपने पहले क्या सिखाया है स्टैंडिंग और स्लिपिंग,
स्टैंडिंग और स्लिपिंग और स्लैंटिंग जहां पर यूज होगा जो लेटर में, वही लेटर आपको यहां पर सिखाने हैं। देखिए ए के एम एन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नंबर में आप सिखाएंगे 4 और 7। देखिए यहाँ पर ए सिखाएंगे सबसे पहले आप, फिर के सिखाएंगे, फिर एम सिखाएंगे। ए कैसे सिखाना है आपको? अप टू डाउन, स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, इट इज कॉल्ड ए। सेम स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन ए। सेम यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन के। सेम यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन टू स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, इट इज कॉल्ड एम। सेम आपको नेक्स्ट सिखाना है एन, टू स्टैंडिंग लाइन वन स्लैंटिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड एन। स्लैंटिंग लाइन वी, स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, इट इज कॉल्ड डब्ल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन एक्स, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन वाई, स्लिपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन जेड। ऐसे ही आपको सिखाना है, टू स्लिपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन जेड। देन आप सिखाओगे नंबर्स, नंबर्स में क्या सिखाना है आपको? फोर, फोर कैसे सिखाएंगे? वन स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर अगर नीचे लिखना है स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। सेवन कैसे सिखाएंगे आप? स्लिपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन। फोर और सेवन के बाद आपका आता है, अभी आपका लेटर्स और नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर में है पैटर्न, वो है कर्व। कर्व सिखाना है आपको, और बाद में आपको कर्व के ही लेटर्स और नंबर सिखाने हैं जो कर्व पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, अभी आपने कर्व सिखाना है बच्चों को, कर्व। ठीक है, कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर्व आप सिखाना है आपको, ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है। ओके, कर्व के बाद आपका आता है लेटर बी, स्टैंडिंग लाइन कर्व कर्व बी, स्टैंडिंग लाइन कर्व कर्व सी, सी में डायरेक्ट कर्व सी, वन स्टैंडिंग लाइन दिस इज कॉल्ड कर्व डी। ठीक है, उसके बाद आप जी भी ऐसे ही सिखाओगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन जी, जे में स्लिपिंग लाइन दिस इज कर्व जे, ओ भी आपका किससे बनता है? कर्व से बनता है, ओ सिखा दिया। पी स्टैंडिंग लाइन कर्व पी, कर्व स्लैंटिंग लाइन क्यू, स्टैंडिंग लाइन कर्व स्लैंटिंग लाइन आर, दिस इज कर्व राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, दिस इज एस। ओके, देन यू, दिस इज ऑल्सो कर्व, डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है यू। एस और यू सिखाने के बाद आपके लेटर्स कंप्लीट हो गए। देन आप सिखाओगे अभी नंबर्स जो भी कर्व से बनते हैं। देखिए कर्व एंड स्लिपिंग लाइन टू, कर्व स्लिपिंग लाइन टू। सेम आप यहाँ पर थ्री सिखाओगे, कर्व कर्व, फिर यहाँ पर आप डॉट दोगे ताकि आपके बच्चों को अच्छे से लिखने के लिए आ जाए। टू हो गया, थ्री हो गया, देन फाइव आपको सिखाना है। फाइव हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत फर्स्ट तक जाने तक बच्चे मिस्टेक करते ही रहते हैं, तो आपको इजीली एक्चुअली फाइव कैसे सिखाना है, लाइक स्टैंडिंग लाइन कर्व देन स्लिपिंग लाइन उनको सिखाना है। देखिए ऐसे ऐसे देन स्लिपिंग लाइन, ऐसे ही आपको फाइव सिखाना है, तो आपका बच्चा फाइव करेक्ट लिखेगा, नहीं तो हमेशा बच्चे रॉन्ग लिखते हैं। फाइव फाइव हो गया, देन सिक्स हो गया, सिक्स को भी आपको ऐसे सिखाना है। देन एट सिखाएंगे आप, एट के लिए आपको अभी फिलहाल पहले सर्कल का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे आपको एट सिखाना है पहले आपको। देन नाइन, नाइन के लिए आप स्टैंडिंग लाइन कर्व स्टैंडिंग लाइन कर्व, ऐसे आपको नाइन सिखाना है।
ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में सिखाएंगे ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो सेम आपको नीचे डॉट देके सिखाना है ज़ीरो। तो पेरेंट्स, ये जो मैंने आपको कंटेंट्स दिया है कि आपके बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, अगर आप इस हिसाब से पढ़ाते हो, यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत जल्दी और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना स्टार्ट कर देगा। सो पेरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पहचान में कोई है जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें शेयर करना ना भूलें। सो पेरेंट्स, वंस अगेन थैंक यू। Thank you.